धार जिले के कुक्षी में बाग प्रिंट मालिक कारीगरों को मजदूर बनाने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन के इस मुद्दे पर चुप्पी बड़े ही सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि यहां पर बाग प्रिंट को एक कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने के धार जिला प्रशासन के प्रयासों पर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम और ग्रामोद्योग बोर्ड किस तरह पतीला लगा रहा है। प्रशासन के लिए यह विचारणीय प्रश्न है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम और ग्रामोद्योग बोर्ड धार हस्तशिल्प कला के कारीगरों को, जो कि 30 सालों से प्रशिक्षित है, आज भी दर दर भटक रहे हैं। हस्तशिल्प कला के कारीगरों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि उन्हें बाग पिंटे में रोजगार दिलाया जाए। बाग से संजय देवपाले की रिपोर्ट। 25 साल हो गए। आपको शासन द्वारा किसी तरह की कोई सहायता मिलती है? कुछ नहीं मिला। अच्छा, शासन से कोई अनुदान, कोई राशि, कोई कुछ भी नहीं आपको? आप, हाँ, कुछ भी नहीं। क्या नाम आपका? मेरा थाउ निवासी आगर। तुमने प्रशिक्षण कहाँ पर लिया? सर, ये बाग में सजावट दिन के। अच्छा, कितने महीने का प्रशिक्षण लिया? 3 महीने का। हाँ, अभी कहाँ काम करते हो? अभी तो घर ही कर रहे हैं। अच्छा, घर पर तुम्हारी कार्यशाला है? बस ऐसे ही घर से थोड़ा बहुत कुछ। हाँ, कर रहे हैं। मिलने मिले अभी तक? हाँ, नहीं मिले। शासन से या हस्तशिल्प निगम से कुछ मिल रहा है आपको सहायता? मेरे को कुछ नहीं मिला। माल बेचने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? माल बेचना नहीं, तो बस बाहर जाते हैं। कहाँ पर हस्तशिल्प निगम लेता है, खरीदता है क्या माल? खरीदा। फिर बस वही महंगाई के माल थोड़ा बहुत। हाँ, भाभी से लेते हैं, थोड़ा बहुत से लेते हैं, घर चला रहे, रोटी पानी चला रहे हम। तो शासन और हस्तशिल्प निगम आपको कोई सहायता नहीं देता? नहीं, ऋण अनुदान या कुछ देता है क्या? कुछ नहीं दिया अभी तक। उससे पूछो, ये सफेद रुमाल वाले। आपका क्या नाम है? हारू। हारू, पिता? चंद्र सिंह। कहाँ के हो? पीपरी। आदिवासी हो? हाँ, आदिवासी। हाँ, आपने कहाँ प्रशिक्षण लिया? यूसुफ खत्री के। यूसुफ खत्री, कितने? हाँ, महीने का? 3 महीने, और 3 महीने के बाद 25 रुपये में काम करा पहले। अच्छा। हाँ, और 25 के बाद फिर 1500 है। प्रियंका दिलीप बाहेती। हाँ, मैं बाग से हूँ और शिल्पी हूँ मैं खुद भी, और मैं खुद कारखाना चला रही हूँ। मैं आदिवासियों को जॉब वर्क पे रखकर और उनको एक रोजगार दे रही हूँ, और उसके साथ ये कि जितना भी सुविधा है वो हम लोगों को मिल नहीं पा रही है, ना मुझे मिल रही है और ना मेरे साथ जो आदिवासी भाई बहने हैं उन लोगों को मिल पा रही है। साथ में ये कि जब भी कोई यहाँ अधिकारी या योजनाएं आ रही है तो यही है कि वो पैतृक लोगों को है या अवार्डी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कोई कुछ नहीं है। और 3 से 4 बार मैं भोपाल गई हूँ, मैं MD सर से मिली हूँ, MD सर ने भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साथ में जब भी कोई योजना आ रही है तो ना मुझे रेट तय कर रहे हैं और ना ही मेरे कोई माल खरीद रहे हैं। जब भी मैं जाती हूँ तो यही है कि मैडम आप अगली बार देख लेना, या फिर हमारे शोरूम पे बैठ के माल सेल कर लो, पर हम परचेस नहीं कर रहे, और परचेस कर रहे हैं तो फिर हमारे कुक्षी के रेट अलग हैं और बाग के रेट अलग है, तो मुझे कुक्षी के रेट दिए जा रहे हैं। अच्छा। तो इस कारण से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और जो कर रही हूँ वो सिर्फ मैं एग्जीबिशन के जरिए कर रही हूँ। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, हाथकरघा और हस्तशिल्प निगम आपसे माल खरीदती है क्या? नहीं खरीद रही है, सिर्फ मुझे बुला रहे हैं मीटिंग में, या फिर MD सर बाग आते हैं तो मुझे इंदौर बुला लिया जाता है, या इंदौर वो यहाँ भोपाल बुला लिया जाता है और सर बाग विजिट करके चले जाते हैं, कभी कारखाने पे विजिट करने नहीं आए। और शासन से अनुदान मिला है आपको? कोई अनुदान नहीं है, मैं अपना खुद का सेल्फ काम कर रही हूँ जितना भी कर रही हूँ। अच्छा। और जितने भी ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं तो ये इनके जो घर काम करके लाते हैं वो मुझे देते हैं, और मैं उसको तैयार करती हूँ, और तैयार करके फिर बाहर मैं अपना रिटेल सेल करती हूँ या फिर उसको प्राइवेट पार्टियों को। आप कितने आदिवासी प्रशिक्षु शिल्पियों को काम दे रहे हैं? मेरे पास 8 से 10 प्रशिक्षित हैं। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।